हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फार्म। आज की ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है डोगो अर्जेंटिनो के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डोगो अर्जेंटिनो की हिस्ट्री के बारे में, डोगो अर्जेंटिनो के टेम्परामेंट और हेल्थ के बारे में। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो की ये आज की ये वीडियो के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स का की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं आपको अपने डोगो अर्जेंटिनो के साथ इंट्रोड्यूस कराऊं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डोगोज के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसके अंदर मैं डोगो के बारे में जितना हो सकेगा उतनी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो के अंदर ये वीडियो बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखें। दोस्तों, अगर हम बात करें डोगो अर्जेंटिनो की, तो डोगो अर्जेंटिनो एक वाइट कलर की लार्ज और मस्कुलर ब्रीड होती है। डोगो अर्जेंटिनो की अगर मैं बात करूं तो डोगो अर्जेंटिनो को अर्जेंटिना मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। और डोगो अर्जेंटिनो की अगर ओरिजिन की बात करूं तो डोगो अर्जेंटिनो का जो ओरिजिन है वो अर्जेंटिना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि डोगो अर्जेंटिनो को डेवलप कैसे किया गया था। तो डोगो अर्जेंटिनो 1928 के अंदर डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिन्स ने इस ब्रीड को डेवलप किया था। और इस ब्रीड को डेवलप करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो यही था कि डॉक्टर एंटोनियो नोरेस मार्टिन्स एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रीड डेवलप करना चाहते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे मेडिकल डॉक्टर, एक अच्छे प्रोफेसर और एक अच्छे सर्जन थे। तो उनका एक ये ड्रीम था कि वो एक बहुत ही बेस्ट ब्रीड डेवलप करें, क्योंकि उनको इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने जो सबसे पहले जो प्राइमरी ब्रीड का जो इस्तेमाल किया वो अर्जेंटीना की एक बहुत ही अच्छी फाइटिंग और एक हंटिंग ब्रीड हुआ करती थी, जो उस समय एक विलुप्त होने की कगार पे थी। तो उसके स्पेसिमेंस को सेव करने के लिए उन्होंने डोगो अर्जेंटिनो को डेवलप किया। और डोगो अर्जेंटिनो को डेवलप करने के लिए जिस ब्रीड के का मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सबसे अहम रोल है वो है कोर्डोबा फाइटिंग डॉग। कोर्डोबा फाइटिंग डॉग भी एक अर्जेंटिना की एक ब्रीड थी जो आज तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कोर्डोबा के साथ डॉक्टर नोरेस मार्टिन्स ने कुछ ऐसी ब्रीड्स को सिलेक्ट किया जिसके अंदर हर तरीके की क्वालिटी थी, और जिस ब्रीड के अंदर टेम्परामेंटल हेल्थ और सारे इश्यूज उन्होंने ख़त्म करने के लिए डिफरेंट ब्रीड्स को कोर्डोबा के साथ क्रॉस कराया, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ब्रीड थी जिसमें था ग्रेट डेन, बॉक्सर, स्पेनियस मैस्टिफ, ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग एंड बुल टेरियर, पेरिन मैस्टिफ और इंग्लिश पॉइंटर। और हम बात करें तो इरिस वुल्फ हैंड एंड डोगडी बोर्डेक्स, ये 10 ब्रीड्स मिलके डोगो अर्जेंटिनो को डेवलप किया गया। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीड है। लोगों के बहुत सारे र्यूमर्स है कि ये अग्रेसिव होती है। इसके टेम्परामेंट के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा, इसके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूँगा। अगर पहले मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको जानकारी दूं तो डोगो अर्जेंटिनो के अगर हम हाइट की बात करें तो जो एक डोगो अर्जेंटिनो के एडल्ट मेल की हाइट जो होती है उसके टोज से लेकर उसकी विदर्स तक, तो वो 26 इंचेस से 28 इंचेस तक होती है। और फीमेल की बात करें तो 24 इंचेस से लेकर 26 इंचेस तक होती है। और अगर हम वेट की बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो का जो एक आइडियल वेट है वो एक एडल्ट मेल का 50 केजी से लेकर 55 केजी तक होता है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो वेट होता है वो 40 केजी से लेकर 45 केजी तक होता है। दोस्तों, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत ही रफ ब्रीड है, और इसके अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये अगर एक अच्छा ओनर हो और इसको अगर ढंग से मेंटेन किया जाए तो ये इजीली 13 इयर्स टू 15 इयर्स तक इजीली सर्वाइव कर लेता है। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो के प्रति लोगों के बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि ये बहुत ही अग्रेसिव है, ये एक हंटिंग ब्रीड है, हंटिंग ब्रीड होने के बाद इसको घरों में नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, अगर मैं डोगो अर्जेंटिनो के अगर टेम्परामेंट की बात करूं तो डोगो अर्जेंटिनो एक बिग हंटिंग ब्रीड है, लेकिन बिग हंटिंग ब्रीड होने के साथ साथ इसको डेवलप किया गया है एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग और एक लॉयल पेट के रूप में।
क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत ही अच्छा गार्ड और एक बहुत अच्छा एक लॉयल पेट है, जो एक फैमिली के अंदर और फैमिली की एक्टिविटीज़ के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको थोड़े वर्कआउट और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो एक हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, जिसको बहुत अच्छी के तरीके से आप एक अच्छे पेट के रूप में अपने घर में रख सकते हो, अपने फार्म हाउस पे भी रख सकते हो। और आज की बात करें तो डोगो अर्जेंटिनो आज मल्टीपल सेक्टर्स में यूज़ हो रहा है। अगर डोगो अर्जेंटिनो को हम बात करें तो लोग इसको सर्च एंड रेस्क्यू में भी यूज़ कर रहे हैं, और पुलिस असिस्टेंट के लिए भी डोगो अर्जेंटिनो यूज़ होता है, और ये एक सर्विस डॉग भी है। और अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही ओबिडेंट डॉग है, और साथ साथ में ये मिलिट्री वर्क में भी यूज़ हो रहा है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि अर्जेंटीना आर्मी डोगो अर्जेंटिनो को ही यूज़ करती है। तो जो लोगों की र्यूमर्स है वो मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक लॉयल ब्रीड है, जिसको अगर आप ढंग से अगर ट्रेन करोगे तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं आते। टेम्परामेंटल इश्यूज़ वहाँ पर आते हैं जहाँ पर डॉग को प्रॉपर केयरिंग नहीं मिलती, एक अच्छा मालिक नहीं मिलता, एक अच्छा घर नहीं मिलता, तो वहाँ पे डॉग के टेम्परामेंटल इश्यूज आते हैं। क्योंकि वहाँ पे डॉग को अगर आप प्रॉपर टाइम ही नहीं दोगे, डॉग के साथ आप प्यार नहीं करोगे, टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली वो उसका टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा अलग सा होता चला जाएगा, जिसको लोग एग्रेशन का रूप दे देते हैं। बट डोगो अर्जेंटिनो कोई अग्रेसिव ब्रीड नहीं है, ये एक फैमिली प्रोटेक्टिव ब्रीड है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स इंटरनेशनली ऐसे हो चुके हैं कि इसने वाइल्ड एनिमल से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है, अपने ओनर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो बस आप इसको हाईली ट्रेन कीजिए, क्योंकि ये एक ट्रेनेबल ब्रीड है, हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है, और एक बहुत ही अच्छी एक सोशल ब्रीड है, जिसको अगर आप ढंग से ट्रेन करो तो आप इसको इजीली ट्रेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने डोगो अर्जेंटिनोज के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं वन बाय वन अपने डोगो अर्जेंटिनोज के साथ के बारे में आपको बताऊंगा, और इससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी हेल्थ इश्यूज़। डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाला डॉग है, जिसके अंदर किसी भी तरीके के कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक हाई एनर्जेटिक डॉग है। आप इसको प्रॉपर अगर आप वर्कआउट कराते हैं तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रीड है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने डोगोज़ के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं वन बाय वन अपने डोगोज़ के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कुछ डोगोज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और कुछ जो डोगो अर्जेंटिनोज मेरे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं सारे डॉग्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन अगर सारे डॉग्स मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया तो वेरी शॉर्टली हम दूसरी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम आपको अपने सारे डॉग्स के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो दोस्तों, अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा फर्स्ट डोगो अर्जेंटिनो है, जिसको जो भी डोगो अर्जेंटिनो इंडिया के अंदर डोगो अर्जेंटिनो लवर है, हर कोई इसके बारे में जानता है। तो इस डॉग का नाम है कैब्रोन डी नोबल कॉन्सिकेडोर, जो मैंने डायरेक्टली क्रोएशिया से इंपोर्ट करवाया था। और कैब्रोन ऑलरेडी इंडियन चैम्पियन है, और आप इसका टेम्परामेंट देखिए, आप इसकी हेल्थ देखिए, इसकी मस्कुलरिटी देखिए। डोगो अर्जेंटिनो की जो लेंथ है वो कंपेरिजन टू हाइट थोड़ी बड़ी होती है, इसीलिए इसको एक बेस्ट हंटर बोला गया है। और जो कैब्रोन है, कैब्रोन के अंदर सारे कैपेबिलिटीज़ है, ये एक बेस्ट हंटर भी है, और बेस्ट हंटर होने के साथ साथ एक बेस्ट गार्ड डॉग भी है, एक लॉयल पेट भी है। और आप इसको देख रहे हैं कि मेरे साथ कितना फ्रेंडली है, मेरे सारी फैमिली के साथ ऐसे ही फ्रेंडली है, मेरे फार्म पे जो भी बॉयज़ इसकी केयर टेकिंग करते हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो कैब्रोन की अगर मैं बात करूँ तो कैब्रोन इंडियन चैम्पियन है, रह चुका है, और कैब्रोन की जो आज एज है वो अप्रोक्स 6.5 ईयर्स हो गई है। तो दोस्तों, कैब्रोन मेरा एक फेवरेट डॉग है, और मेरा फर्स्ट डोगो अर्जेंटिनो है। इंडिया के अंदर जितने भी डोगो अर्जेंटिनो लवर्स है वो सारे के सारे कैब्रोन के बारे में जानते हैं, क्योंकि कैब्रोन जब तक भी इसने शोज़ में पार्टिसिपेट किया, ये अपने आप में अपनी लाइफ के अंदर एक अनबीटेबल डॉग रहा है।
जिसको मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग जब तक भी मैंने इसको शो किया शायद ये कभी रिंग्स के अंदर मतलब विन करके नहीं आया हो, इसने सदा विन किया है क्योंकि कैब्रून एक परफेक्ट डॉग है, हर तरीके से ये एक परफेक्ट डॉग है। और अगर इसकी मैं ब्लड लाइन की बात करूँ तो ये बिलोंग करता है वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लड लाइन। अगर मैं इसके फादर की बात करूँ तो जो इसके फादर है का नाम है वो है वर्ल्ड विनर एंड मल्टी कंट्री चैम्पियन माटिया डीडो नीलोय, जो अपने आप में एक बहुत ही अनबीटेबल डॉग रहा। उसका कैब्रून डायरेक्ट सन है और कैब्रून की जो प्रोड्यूसिंग रही है आज तक इसने मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। आज भी इसके पपीज़ मार्केट में हैं और जो भी इसके पपीज़ को रिटेन करके रखा है जिन्होंने भी जिनके पास भी इसके पपीज़ है वह जिनके इसके पपीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि मेरे डोगोज और अर्जेंटिनोज के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं है क्योंकि जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्लड लाइंस। अगर ब्लड लाइंस पे अगर हम लोग बात करें तो ब्लड लाइंस ही मैटर करती है कि आप किस ब्लड लाइन का पपी परचेज कर रहे हो वो प्योर है या नहीं है। जैसी ब्लड लाइंस होगी वैसा ही निखार पपीज़ के अंदर आएगा। अगर ब्लड लाइन अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे पपी को एक अच्छे डॉग के रूप में आप डेवलप नहीं कर सकते। तो आप पपी लेने से पहले सबसे पहले ब्लड लाइन को देखिए, डॉग को देखिए, मदर फादर को देखिए। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट डॉग है डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ अपने सेकंड डॉग अर्जेंटिनो से, ये भी मेरे एक बेस्ट डॉग है और इसके बारे में भी एंटायर इंडिया के जितने भी डॉग अर्जेंटिनो लवर्स हैं वो सब जानते हैं। इसका नाम है एस्किरला, एस्किरला डीला सेंट्रस। एस्किरला डीला सेंट्रस की अगर मैं बात करूं तो एस्किरला मैंने डायरेक्टली अर्जेंटीना से इंपोर्ट करवाया था और अर्जेंटीना से इंपोर्ट जब ये मैंने करवाया तो अर्जेंटीना की वन ऑफ द बेस्ट कैनल लास्ट सेंट्रस कैनल से मैंने एस्किरला इंपोर्ट करवाया था। और एस्किरला अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट प्रोड्यूसर डॉग है, बहुत ही बेस्ट डॉग अर्जेंटीनो है और आज इसके पपीज़ की हमारे पास हाईली डिमांड है। मेरे पास दो स्टड है, कैब्रून जो मैंने पहली वीडियो में दिखाया और दूसरा है एस्किरला जो अभी आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो दोनों की जो डिमांड है वो बहुत ही हाई डिमांड है और ये मेरे दो स्टड है जिन स्टड को मैं अपने ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट में यूज़ करता। और अगर एस्किरला की बात करूँ तो ये भी अर्जेंटीना की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से बिलोंग करता है जिसके अंदर बहुत इसके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों एस्किरला एक बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही ब्रॉड हेडेड डॉग अर्जेंटीना और इसमें अपने आप में जो इसका टेम्परामेंट है जो इसका नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। ये आप इसके कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी इश्यूज़ नहीं है, ना ये कभी टेम्परामेंटल इसके कोई इश्यूज़ आते हैं। तो माय फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं टाइम की कमी होने की वजह से मैं आज आपको अपने दो ही डॉग अर्जेंटिनो से इंट्रोड्यूस करा पाऊँगा जो मेरे दोनों मेल स्टड थे एस्किरला एंड कैब्रून। नेक्स्ट वीडियो जो इस वीडियो का जो पार्ट होगा वो हम वो शॉर्टली बनाएंगे जिसमें हम अपने सारे के सारे डॉग अर्जेंटिनो को आप लोगों के साथ रूबरू कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। और दोस्तों लास्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉग अर्जेंटिनो एक बहुत ही फैमिलियर ब्रीड है, बहुत ही फ्रेंडली ब्रीड है, आप इससे डरिए मत। ये कोई फ्रोशियस ब्रीड नहीं है, हाँ इसका हो सकता है इसके लुक एंड फील से आप इसको फ्रोशियस मानते हो बट ये एक बहुत ही ज़्यादा लवेबल ब्रीड है जिसको आप इजीली हाईली बिकॉज ऑफ कि ये एक हाईली ट्रेनेबल ब्रीड है जिसको आप इजीली ट्रेन भी कर सकते हो, एक अच्छा पैट के रूप में अपने घर में रख सकते हो, अपने फार्म हाउसेस में रख सकते हो क्योंकि ये इतना एक प्रोटेक्टिव ब्रीड है कि इसको अपने और पराए की इतनी ज़्यादा पहचान है कि आपकी टेरिटरी के अंदर अगर डॉग अर्जेंटिनो आपने रखा हुआ है तो किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव पर्सन जो आपको हार्म कर सकता है वो आपकी टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ना ही कोई पर्सन एंटर कर सकता है और ना ही कोई एनिमल एंटर कर सकता है। दोस्तों बाकी जो मेरे पास पपीज़ की क्वेरीज आती है तो अभी मेरे पास डॉग अर्जेंटिनो के कोई भी पपीज़ अवेलेबल नहीं है, जब मेरे पास पपीज़ होंगे तो मैं आपको शॉर्टली अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को अपडेट भी करूंगा। और अभी हमारा ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, हमने कुछ फीमेलें अपनी ब्रीड कराई है जिसके अंदर एस्किरला से भी हमने अपनी फीमेलें ब्रीड कराई है और कैब्रून से भी हमने अपनी फीमेलें ब्रीड कराई है। तो आप किसी भी मेरे फ्रेंड को पपी की क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली
हमें कॉल भी कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप करते हैं कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो माई फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।